और आप बात कर रहे हैं बागेश्वर धाम बाबा की, आप बात करिए प्रेमानंद जी महाराज की, वही बात कर रही हूँ मैं खुशबू पांडे। हाँ मैं सांप्रदायिक हूँ, मैं सांप्रदायिक इसलिए हूँ क्योंकि मुझे हिंदू होने पर गर्व महसूस होता है। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। देखिए ये अंधभक्त है, अनपढ़ है, अशिक्षित है, तो हिंदू फिंदू कुछ नहीं है, तो नौटंकी है। हिंदू फिंदू कुछ नहीं, हिंदू फिंदू यही तो है, घूमरेले जो घूम रहे हैं भूतनी के। तो दोस्तों फिर से और एक नई वीडियो लेकर आ चुका हूँ इस बदबू पांडे पर, और शायद आप खुश होंगे क्योंकि फिर से और एक नई वीडियो लेकर आ चुका हूँ इस बदबू पांडे पर। और इनका काम है सिर्फ हिंदू और मुस्लिम के बीच की नफरत को ख़त्म करना, लेकिन हमारे इस मुस्लिम चाचा ने इस बदबू पांडे को पूरा एक्सपोज कर दिया। तो आओ यार वीडियो में एंड तक बने रहें, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और आप बात करें बागेश्वर धाम बाबा की, आप बात करें प्रेमानंद जी महाराज की, वृंदावन, ये सब बाबा हैं जो हमारे हमें अपनी राह पे चलना बताते हैं। अच्छा, और आपने सिर्फ बाबा को टारगेट कर रखा है सर, कितने मौलवी और कितने पादरी पढ़े आप कभी उनका इंटरव्यू जाके लीजिए ना। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। जितने इनके जो है बागेश्वर बाबा, फलाने बाबा, ढिमाके बाबा, ये सारे के सारे के हिंदू राष्ट्र बने और फलाना बने, वो उसको क्या नहीं करते, क्या नहीं कह रहे ये बताइए, सबके सामने है ना, फिर क्यों नहीं रोकती बीजेपी इस बात को, फिर क्यों नहीं रोकती बीजेपी इस बात को। वही बात कर रही हूँ मैं खुशबू पांडे। हाँ मैं सांप्रदायिक हूँ, मैं सांप्रदायिक इसलिए हूँ क्योंकि मुझे हिंदू होने पर गर्व महसूस होता है। जिस दिन मुझे हिंदू होने पे शर्मिंदगी महसूस होने लगेगी, उस दिन मैं सेकुलर बन जाऊंगी, तो ऐसा सेकुलरिज्म मुझे नहीं चाहिए। देखिए ये अंधभक्त है, अनपढ़ है, अशिक्षित है, तो हिंदू फिंदू कुछ नहीं है, तो नौटंकी है। हिंदू फिंदू कुछ नहीं, हिंदू फिंदू यही तो है, घूमरेले जो घूम रहे हैं भूतनी के। 57 इस्लामिक कंट्री है हमारे देश में, पूरे वर्ल्ड में क्रिश्चियनों के लिए कंट्री है, कहाँ पे आपने देख लिया कि वो चर्च के लिए लड़ रहे हैं, वो मस्जिद के लिए लड़ रहे हैं? क्यों? क्योंकि उनकी संख्या ज्यादा, एक केवल हिंदुस्तान है जहाँ पे हिंदुओं की संख्या सबसे ज्यादा होने के बावजूद भी हम अपने मंदिरों के लिए हजार हजार वर्ष, 550 वर्ष इंतजार करते हैं। हिंदू राष्ट्र कहीं संविधान को मत्थे लगाना कभी, ये भूतनी के वो है जो सीधे जाते नाथुराम गोडसे की तरह है, जो उसका क्या नाम है, महात्मा गांधी के पांव छूते हैं, नीचे से गोली मार देते हैं ढाई से, ये वो लोग हैं, दोगले लोग जान मिले। तो ये भिखारी बनाना चाहते हैं देशवासियों को, तो ऐसे खिलाफ आंदोलन है, या हिंदू राष्ट्र के, चाहे लंडू राष्ट्र के, चाहे इस्लाम राष्ट्र के, और चाहे खालिस्तान राष्ट्र के, ऐसी जो कर रहा बात वो आतंकवादी है। तो दोस्तों आपको नहीं लगता कि इस बदबू पांडे का काम है सिर्फ हिंदू और मुस्लिम की भाईचारे को खत्म करना और मीडिया वालों से पैसा लेना और हिंदू मुस्लिम के बारे में बोलना? अगर आपको ऐसा लगता है तो कमेंट सेक्शन में अपना राय जरूर दें, और जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, बाय बाय।